रहमानी में अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह से, मैं भी ठीक हूँ। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, लंबी ज़िंदगी दे, बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे। और जिन मेरे बहन भाइयों की औलाद नहीं है अल्लाह ताला उन्हें औलाद दे। तो इसी दुआ के साथ वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो सक्रैन भी आज हमारे साथ वीडियो बना रहा है, कह रहा है कि आज अम्मी आपके साथ वीडियो बनाऊँगा। तो जैसे सक्रैन क्या कहना चाहते हैं, क्या सलाम करो सलाम। तो आए सक्रैन क्या कहना चाहते, आपको समझ में आ रहा है कि सक्रैन जो ना क्या कहना चाह रहा है? तो बताओ ना क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ ये कह रहा है बर्फ, यानी कि ये कहता है कि सक्रैन कहता है कि इधर फ्रिज ला के रखो तो हमारे जो है ना बर्फ नहीं है। दो जन अंदर कमरे में दिन गुजारा है और पंखा भी चलता रहा है कुछ प्लेट से, लाइट तो आपको पता है नहीं है। तो ये सारा सामान जो है अभी बिखरा पड़ा है, तो अब इस वक्त जो है ना मैं सेट करूँगी। हमारे यहाँ 4-5 का टाइम होगा, बस शाम होने वाली है, ठंडा मौसम हो जाएगा तो घर का काम करेंगे। और सक्रैन भी हमारे साथ, पहले मैं लेने जाऊंगी पानी, क्योंकि पानी लेके आऊँगी ना फिर इसका छिड़काव करके फिर हम झाड़ू देंगे और सफाई करेंगे, उसके बाद बाकी का काम जो है ना वो शुरू करेंगे। तो अभी जो है ना मैं नलके पे आई हूँ पानी भरने के लिए। आपको पता है ये दूसरे दिन ही ख़राब हो जाता है ये पानी, इसका जो है ना ये छोड़ देता है। तो जो है ना हमारे यहाँ जो है ना आपको पता है नहरी पानी भी बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं और जो है ना बारिश भी अल्लाह ताला नहीं दे रहा, तो पानी जो है ना नीचे बहुत ज़्यादा नीचे हो गए हैं, इसलिए नलके जो है ना कामयाब हमारे यहाँ नहीं हो रहे। और देखिए सक्रैन के कबूतर जो है ना वो भी चारा खाने के लिए आए हुए हैं। इस वक्त हाँ हमारे यहाँ थोड़ा मौसम जो है ना हवा जो है ना गर्म हवा जो होती है वो रुक जाती है, तो हम इस वक्त बाहर आते हैं, घर के काम भी शुरू करते हैं और जानवरों के जो काम है वो भी करते हैं। पानी का छिड़काव करूँगी फिर झाड़ू दूंगी, और जहाँ मौसम जैसे ठंडा होगा ना तो यहाँ पे हम मंजा वगैरह डालेंगे तो ठंडक हो जाएगी। और अंदर कमरे में भी सारी मिट्टी है, दिन को हवा चलती है ना तो बाहर सियान जो है ना वो मेरा किचा है, तो इसलिए जो है ना मिट्टी अंदर आती है। असे जना भी अभी आई हैं तो उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। पानी नहीं है। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है। ये क्या हुआ है आपके पांव को? चोट लगी, गिरी हूँ। गिरी हो? बाइक से चोट लगी है, बाइक से गिरी हूँ, चोट लग गई है। और अभी जो है ना पट्टी वगैरह रखा कर अभी आई। अभी ठीक है? दिखाओ। कुछ ठीक है, बस थोड़ी सा दर्द है, अब तो बहुत ज़्यादा था लेकिन अब थोड़ा। देखो यहाँ से सूज भी लगी है। हसन भी साथ है। आजी गायब बोलता है। कहता है हसन आशा को चोट लगी है। सक्रैन कहता है आशा को चोट लगी है, रोता है। आशा नहीं रोती, आशा बहुत बहादुर है। मैं रोई तो नहीं हूँ, कल रोई थी जब चोट लगी थी। मेरी नकल करे आपको, जब इसको जब डेबू ने काटा था ना इसका चारा देखने वाला था मैं, तब मैंने आप देखी थी। ठीक हो गया ना सक्रैन। ओए सक्रैन
मैं नहाने जा रहा हूँ भाई। इसे क्लाइंट के कपड़े पहने हुए हैं सामने। इसे कौन सा कपड़ा यही आया है? हमारे यहाँ जो है ना असर का टाइम हो चुका है। असर के बाद जो है ना दिन जल्दी ग्रुप हो जाता है। थोड़ी देर के बाद जो है ना मौसम ठंडा हो जाएगा और किचन में साफ कर रही हूँ। उसके बाद जो है ना बर्तन धोने हैं और बाहर चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि जो हमने जमीन पे बीज लगाया तो वो कैसे उग रहा है। अबू जी ने मेरे ख्याल से मोटरसाइकिल निकाल ली है तो वो जा रहे हैं सब्ज़ी लेने। तो इसकी जो है ना पहले नई नई सारी ये लेमिनेशन होती है हुई हुई थी। अभी जो है ना बच्चे रोज़ स्कूल जाते हैं ना, जब वापस आते हैं तो पता नहीं चलता कि इसके साथ खेलने शुरू कर देते हैं। तो इसका थोड़ा सा ये जो है ना इन्होंने यहाँ से जो है ना इसे तोड़ा है। तो मैं कह रही हूँ कि अबू को इसे बनवा के ना फिर से नया हो जाए। तो ये देखें हमारे जो ज़मीन, हमने खुश्क ज़मीन पर बीज लगाया था ना, तो जो है बीज अभी उग भी नहीं रहा मेरे ख्याल से। तो थोड़ी सी भी गीली ज़मीन होती है ना बीज तो ऐसे उगता, तो अभी तो खुश्क ज़मीन है ना, थोड़ा थोड़ा उग रहा है। और इसमें जो ज्वार भी है और जो बाजरा होता है वो भी है, और उसू जो हम सामक और उसू जो कोरिया वगैरह जो होते हैं ये सब कुछ जो है ना मिला के डाला है। बकरे वगैरह भी खाएँगे और जानवर भी खाएँगे। तो जो है ना मैं सोच रही थी कि कचनाल जो है ना अभी सारा खुश्क हो चुका है तो इस पर चढ़ के ना ये लकड़ी जो है ना मैं काट के नीचे रखूँ, जो है ना आग जलाने के काम भी आ जाएंगी और बाद में जब मौसम आएगी कचनाल की दोबारा उगने की तो बहुत अच्छी तरह से कचनाल लगेगा। तो अभी जो है ना ये काम भी करना है। जूस लेके आया मैंने, नहीं पीना, पियो नहीं नहीं पियो पियो पियो। सकलाइन जो है ना जूस पी रहा है। अब देखिए सकलाइन जो है ना अब अच्छी बातें कर लेता है, बहुत अच्छी, और स्कूल भी जा रहा है माशाल्लाह से। मैंने इसे अच्छे स्कूल में अब दाखिल किया है तो इसकी पढ़ाई जो है ना बहुत अच्छी हो रही है। तो वैसे उनकी फ़ीस तो बहुत ज़्यादा है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं सकलाइन को देख रही हूँ कि सकलाइन की जो है ना पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही है। तो सकलाइन की पहले तो मैंने दो तीन दिन जो है ना इसे सूज आई है, नींबू वगैरह ने काटा है तो गर्म बहुत ज़्यादा उनमें जहर थी तो टीके वगैरह दवाई वगैरह इसकी लिया ना, फिर दो दिन मैंने इसकी दवाई बंद कर दी है। तो अब जो है ना आज कल जो है ना शाम को फिर गए थे हम डॉक्टर के पास, उसने कहा है कि इसका इलाज अभी जो है ना आपने नहीं बंद करना क्योंकि अब ये बोलना शुरू हो गया है। तो इसकी जो है ना अब मेडिसिन भी बहुत ज़्यादा महंगी हो रही हैं। तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसका इलाज अपनी तरफ से जो है ना पूरा करूँगी, बाकी जो है ना अल्लाह ताला की मर्ज़ी के काम है। तो जो है ना अल्लाह ताला जो है ना जैसे अल्लाह ताला हर बंदे को हर इंसान को हर मोमिन मुसलमान को सेहत दे। बस प्यारी बस आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी उम्मीद करते हैं, और अच्छे अच्छे कमेंट्स करने हैं। मैं दुआ करती हूँ कि आप जहाँ रहें अपनी फैमिली के साथ अल्लाह ताला आपको खुश रखे आबाद रखे। कल फिर नई वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।